बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ के धान उपार्जन केंद्रों में फंड प्रभारियों की लापरवाही देखने को मिली है, जहां उपार्जन केंद्रों में धान भारी मात्रा में भीगते नजर आए हैं, जिसके चलते देखरेख के अभाव व गैर जिम्मेदारियों के बीच धान की बोरियों को गायों ने भी साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र जमघन में फंड प्रभारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां शासन प्रशासन किसानों की धान खरीदी को लेकर सख्ती और सावधानियां बरत रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपार्जन केंद्रों में फंड प्रभारियों का मनमानी रवैया भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच धान भीगते नजर आए हैं। गौरतलब है कि मंडी परिसर में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिसमें तिरपाल को भी ढकना मुनासिब नहीं समझा गया। वहीं लगातार बारिश होने के अलर्ट के बाद भी किसी प्रकार की रखरखाव व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित नहीं रखा गया है, जिसके चलते उपार्जन केंद्र में धान भीग रहे हैं। और इसी के चलते उपार्जन केंद्र में जब मीडिया की टीम पहुंची, फंड प्रभारी उपार्जन केंद्र से नदारद मिला। उपार्जन केंद्र के कर्मचारी द्वारा उनको बुलवाया गया, लेकिन वे नहीं आए। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारी से अपने कार्यों को वहन कर रहा होगा। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। अभी यहाँ पर देखा गया है कि भारी मात्रा में धान जो है भीगा पड़ा हुआ है। कब से भीगा पड़ा है और कैसे भीगा है? मतलब आज ही भीगा है, रात में आज रात के भीगा हुआ है। ये जो खुला है ना, वो किसान अपने ले गया ना अपना तिरपाल, इसलिए खुला हो गया। हर प्रभारी की तरफ से ऐसा रख रखाव के लिए कुछ त्रिपाल व्यवस्था नहीं रखा है? हाँ, पूरा दिख रहा है, उसका हुआ है। उसके बावजूद भी फिर इतने मात्रा में भीगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब परसों खरीदे है ना, इसीलिए अचानक आके बारिश। इसलिए यहाँ पर यह भी देखा गया है कि इस पार्ट पे यहाँ गाय जो है रख रखाव के बावजूद यहाँ पर घुस गया और काफी मात्रा में धान को खा गए हैं। अब अचानक तो घुस जाता है बारिश के अनुसार। जिम्मेदारी में आप क्या समझते हैं, किसकी जिम्मेदारी है रख रखाव? जिम्मेदारी तो हम लोग।